अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है लोग खैर से। बात करेंगे यूके बॉर्डर क्लोजिंग के बारे में और व्हाट्सएप की प्राइवेसी के हवाले से। आज 16 जनवरी 2021 हफ्ते का दिन है। व्हाट्सएप ने जो है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी उसके मतलब एक बड़ा बयान जो है जारी कर दी है कि अभी जो है वो 8 जनवरी को जो अकाउंट डिलीट का कहा गया था कि अगर जो बंदा टर्म्स एंड कंडीशन जो नई पॉलिसीज हैं उनको एग्री नहीं करेगा तो उनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे, तो वो मई तक सस्पेंड कर दिए, यानी अगले 3 महीने तक जो है वो अकाउंट डिलीट नहीं होंगे। और उसके बाद भी क्या कि अकाउंट डिलीट नहीं होंगे और डाटा शेयरिंग के हवाले से, यानी जो व्हाट्सएप का डाटा है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, उसके बारे में कन्फर्म कर दिया कि वो डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। और पब्लिक को जो है 3 महीने का टाइम दिया गया कि मजीद जो है वो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें, सोचें, देखें कि आया इसके नुकसान हैं आवाम को या नहीं है। तो अगले 3 महीने के लिए ये जो कह सकते हैं डिसीजन वो तो कर दिया पोस्टपोन। उसके अलावा यूके में जो है नया कोविड-19 स्ट्रेन जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसकी वजह से यूके ने 18 जनवरी 2021 सोमवार या मंडे सोमवार वाले दिन से तमाम बॉर्डर जो है वो क्लोज करने का ऐलान कर दिया है। यूके इंग्लैंड के तमाम बरतानिया जो है उनके तमाम बॉर्डर जो हैं वो सोमवार वाले दिन 18 जनवरी से बंद कर दिए जाएंगे, नो इन नो आउट। सो इंशाल्लाह खैर, मजीद खबरें जानने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, कीप सपोर्टिंग अस। आप हमारे दूसरे चैनल भी विजिट कर सकते हैं ओमान के हवाले से, ब्लॉग के हवाले से। इंशाल्लाह खैर, हम इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली और पॉजिटिवली शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।